किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम जावास्क्रिप्ट की बात कर लें, चाहे हम जावा की बात कर लें, चाहे सी की बात कर लें या बात कर लें पाइथन की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बड़ा मायने रखता है। अब ये फंक्शन किस प्रकार से बनता है हम देखेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। आप इसी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे जावास्क्रिप्ट यूज कीजिए या आप कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, चाहे सी यूज करते हो या जावा भी यूज करते हो, तो इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं वीएस कोड पर कोडिंग करूंगा, तो ये वीएस कोड ओपन कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये वीएस कोड ओपन हो रहा है और यहां पर ये हमारी सीएसवी फाइल पुरानी वाली, यहां पर हम राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल आ गई है, देख सकते हैं। अब इस फाइल में हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए फंक्शन हम बना रहे हैं, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो डेफ लिखते हैं तो फंक्शन बनता है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब तो डिफाइन ही होता है, नो डाउट अबाउट दिस कि इसका मतलब डिफाइन ही होता है, लेकिन डेफ लिखना पड़ता है आपको। डेफ एक कीवर्ड है, ठीक है, जो फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर एड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं और इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे, ए कॉमा बी लिख दिया हमने, यानी इसमें दो वेरिएबल आएंगे ए और बी, और यहां पे देख सकते हैं रिटर्न आ रहा है ए प्लस बी, तो हमें क्या लिखना है यहां पे, रिटर्न आर ई टी यू आर एन ए प्लस बी करना है। और यहां पर एक और वेरिएबल बनाते हैं सी नाम से, और सी इज इक्वल टू क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू एड को कॉल किया जा रहा है और ए प्लस बी वाली वैल्यू दे देनी है, जैसे 66 दे दिया, कॉमा दे दिया, 89 दे दिया, तो ये दो वैल्यू एड वाली हमने दे दी, ठीक है। और ये देने के बाद एंटर करिएगा और यहां पर C को प्रिंट करवा दीजिएगा। आपको खाली क्या करना है, C को यहां प्रिंट करवा देना है। जब इसको चलाएंगे ना, तो देखिए यहां पे इसको चलाया तो यहां रिजल्ट आ रहा है 155, देख सकते हैं। अब जितनी बार इसे कॉल करेंगे उतनी बार ये हमें रिजल्ट अलग अलग बताएगा, जैसे यहां पर चेंजेस करने हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर हम चेंज कर रहे हैं, यहां पर हमने कर दिया 6, यानी 66 और 86 दोनों को ऐड करना है, तो यहां पर ये ऐड करके दे रहा है 152। अगर हम यहां पर चेंज कर देते हैं, यहां पे 7 कर देते हैं, तो देखिए ये इन दोनों को ऐड करके दे देगा। लेकिन इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं फंक्शन कितनी आसानी के साथ आप बना सकते हैं, बेहद आसान है बनाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।